हेलो स्टूडेंट, बैक लेक्चर में अपन ने बात की थी एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक्स फंक्शन के बारे में कि फंक्शन अपन किसको कहते हैं। आज अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के सम्स के बारे में। इसको अपन दो वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में अपन बात करते हैं। देखो क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि एक मेरे पास कोई भी सेट्स का एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी मेरे पास है 4 5 6 एंड 7 बोला। एंड कहता है लेट एफ एफ एक आपके पास फंक्शन है 1 4 2 5 एंड 3 6। आपको क्या कहता है? कहता है द फंक्शन ए टू बी। फंक्शन कहां से है? ए से लेके बी से। तो आपको प्रूव करना है कि एफ एक्स इज ए 1 1 फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? एक 1 1 फंक्शन है। देखो यहां से क्लियर है मेरे पास कि एफ वन वन की इमेज का नाम क्या है? 4। एफ टू की इमेज का नाम क्या है? 5। और एफ थ्री थ्री की इमेज का नाम क्या है? 6। ठीक है, अगर मैं इसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो एरो डायग्राम से ये ए हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया? बी। एक एलिमेंट का नाम है 1 2 3, बी के एलिमेंट का नाम है 4 5 6 7, यही है। अब देखो यहां पे देखो ए की किसके साथ बाउंडिंग है? भाई ए की इमेज का नाम है 4, 2 की इमेज का नाम है 5 एंड 3 की इमेज का नाम है 6। यहां पे आपको कोई भी एक ऐसा एलिमेंट दिखा जिसकी दो सेम इमेजेस हो? ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी क्या हो, एक से ज्यादा प्री इमेज हो या दो सेम इमेज हो। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब मेरे पास ये क्या हो गया, मैं कह सकता हूं देर इज नो एलिमेंट हैव सेम इमेज, सेम टू इमेज। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी दो क्या हो, सेम इमेज हो। फ्रॉम कहां से? ए टू बी, ए से बी तक। इसका मतलब कैसा है? इसका मतलब कैसा है ये? एफ एक्स इज ए 1 1 फंक्शन। एफ एक्स कैसा? एक 1 1 फंक्शन है। और यही आपसे इसने प्रूफ करवाया था। देखो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या कह रहा है। कहता है कि ए एक मेरे पास सेट है जिसका एलिमेंट है 1 -1 2 एंड 3 एंड बी के अंदर है 1 4 9 एंड 16। आपको क्या बोला? सो दैट द फंक्शन एफ ए टू बी such that fx is equal to क्या है? x square is a many one and into function। कैसा हो? many one भी हो और into function हो। देखो इसका solution कैसे करेंगे। मेरे को इसने क्या बोला कि fx किसके इक्वल है? x square के है। where x किससे belong करेगा? a से। यही बोला a to b। अगर मैं देखो इसकी जगह one यूज करूं, suppose करो अगर मैं fx की जगह one यूज करूं तो one का square one ही होगा। दूसरे केस में एफ एक्स की जगह मैं -1 रखूंगा तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया? प्लस का 1। थर्ड केस में मैं अगर एफ एक्स की जगह 2 रखूं, 2 का स्क्वायर 4, और अगले में मैं एफ एक्स की जगह 3 रखूं तो 3 का स्क्वायर 9। अगर मैं इसको एरो डायग्राम से समझू तो ये मेरे पास ए हो गया और ये मेरे पास बी हो गया। क्या था? 1 -1 2 एंड 3 और यहां पे आया 1, ठीक है, देन 4 और 9, यही आए। अब देखो ए की इमेज का नाम क्या है? 1 की इमेज का नाम 1 है और -1 की इमेज का नाम भी 1 है। 2 की इमेज 4 है और 3 की इमेज 9 है। और बी का एक एलिमेंट रह गया जिसका नाम क्या था? 16। यही रहा आपके पास। अब इसका मतलब देखो जो ये 1 है इसकी एक से ज्यादा क्या है? प्री इमेज। जब 1 की प्री इमेज का नाम 1 भी है और माइनस का 1 भी है। अगर किसी एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेज हो उसका मतलब वो एक कैसा फंक्शन है? मैं कह सकता हूं सच एफ एक्स इज ए इज ए मैनी वन फंक्शन। कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन है। क्यों है भाई मैनी वन फंक्शन? बिकॉज जो आपका 1 है उसकी एक से ज्यादा क्या है? प्री इमेजेस है। दूसरा देखो जो ये एलिमेंट 16 है, बी का जो एलिमेंट 16 है उसकी कोई भी इमेज नहीं है। और मैं क्या कह सकता हूं? द एलिमेंट ऑफ सेट्स बी का एलिमेंट कौन? 16 हैव नो प्री इमेज। उसकी क्या नहीं है भाई? प्री इमेज नहीं है। और अगर किसी एलिमेंट की कोई भी प्री इमेज ना हो तो उसका मतलब वो कैसा फंक्शन है? सो एफ एक्स इज इनटू फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा वो? इनटू फंक्शन होगा। इसका मतलब ये मेरे पास एक कैसा फंक्शन था? मैनी वन और
इनटू फंक्शन, यही आपसे इसने पूछा था। देखो थर्ड क्वेश्चन मेरे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन में मेरे पास कहता है कि सो दैट द फंक्शन fx, z बिलोंग्स टू z, मतलब एक fx एक फंक्शन है जो कि इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, डिफाइन बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर फॉर x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो कहता है ये मैनी वन फंक्शन, कैसा फंक्शन है मैनी वन फंक्शन। देखो मैंने क्या किया, मैंने कंसिडर किया लेट x एंड y, मेरे पास दो एलिमेंट और किससे बिलोंग्स कर रहे हैं z से, ठीक है। अगर मैं बोल दूं इफ मैंने कंसिडर किया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई है, कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो किसके इक्वल है एफ वाई के है, तो इसका मतलब एफ एक्स मैं अगर यहां पे पुट करूंगा एफ एक्स, तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं एफ एक्स यहां पे पुट करूंगा तो एफ एक्स मेरे पास क्या हो गया, एफ एक्स मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और अगर मैं यहां पे y रखूंगा तो y स्क्वायर प्लस y, यही होगा। उसके बाद मैं इन सारी टर्म्स को इस तरफ ले आता हूं तो x स्क्वायर प्लस x माइनस y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू क्या बचा मेरे पास जीरो। अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूं तो देखो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x माइनस y इज इक्वल टू जीरो, एक प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को मतलब x प्लस y एंड x माइनस y प्लस x माइनस y इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं यहां से कॉमन लेना चाहूं तो क्या कॉमन आया मेरे पास, कॉमन आ गया x माइनस y, अगर x माइनस y कॉमन लेता हूं तो यहां पे बचा x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि x माइनस y क्या तो जीरो होगा, या सेकंड x प्लस y प्लस 1 ये होगा आपका जीरो के इक्वल। अगर इसको सोल्व करोगे तो x इज इक्वल टू y, और दूसरे को सोल्व करोगे या फिर मैं यहां से निकाल लेता हूं कि y, चलो x इज इक्वल टू क्या हो गया y, दूसरे में सोल्व करूंगा तो x इज इक्वल टू x प्लस या y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1, यही होगा। अब देखो यहां पे एक y की इमेज का नाम है x और एक y की इमेज आ रही है माइनस x माइनस का 1, इसका मतलब कि इसकी जो कोडोमेन है उसमें दो डिफरेंस इमेजेस आ रही है। भाई वाई की दो क्या है अलग अलग क्या है, दो डिफरेंस इमेजेज है। अगर दो डिफरेंस इमेजेज है इसका मतलब कैसा फंक्शन है ये, इट इज ए मैनी वन फंक्शन, कैसा फंक्शन है मैनी वन फंक्शन, और यही आपसे उसने प्रूफ करवाया था कि प्रूफ कीजिए कैसा फंक्शन है मैनी वन फंक्शन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, कहता है कि लेट ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट का नाम है माइनस वन जीरो एंड वन, और कहता है कि एफ एक फंक्शन है एक्स x square such that x belongs to a, कहता है so that f a to a is a neither one one nor b onto, ना तो क्या हो ये one one हो और ना ही onto। देखो कैसे करेंगे, मेरे पास क्या था कि fx, इसने बोला था क्या है कि x x square such that x belongs to a, यही बोला। अगर मैं यहां पे रखता हूं माइनस वन, f की जगह मैंने रखा माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस का वन, देन मैंने रखा जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, और फिर रखा मैंने वन, तो भी क्या आ गया वन। अगर मैं यहां पे भी ए ले लेता हूं और यहां पे भी ए ले लेता हूं, एरो डायग्राम से बात करते हैं, अगर मैंने दोनों ए रखे और मेरे पास ए की वैल्यू है माइनस वन जीरो वन, देन यहां पे भी माइनस वन जीरो वन, यही होगा। मेरे को पता है माइनस वन की जो इमेज है वो कितनी आई थी वन, वन की भी इमेज क्या आई थी वन, और जीरो की इमेज भी आई थी वन। यहां पे आपका क्लियर है कि जो माइनस वन है और प्लस का वन है उसकी सेम इमेज है कितनी वन, क्या कहेंगे वेयर माइनस वन एंड वन हैव सेम इमेज क्या है, सेम इमेज है वन, ठीक है। और अगर एक एलिमेंट की एक एलिमेंट दो एलिमेंट के दो एलिमेंट की अगर एक ही इमेज हो या एक ही इमेज की दो प्री अलग अलग प्री इमेज हो, इसका मतलब वो एक कैसा फंक्शन है, देयर इज ए कैसा है, इज ए मैनी वन फंक्शन, कैसा है भाई ये मैनी वन फंक्शन। और इसने ये पूछा था कि ये कैसा फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा आपके पास वन वन फंक्शन नहीं होगा, इसका मतलब वन वन फंक्शन नहीं है। फिर मैं बात करता हूं ओन टू, अब एक बात बताओ मेरे को ओन टू के लिए अगर मैं बात करता हूं तो मेरे को पता है माइनस वन एक ऐसा एलिमेंट है ए में जिसकी कोई भी यहां पे प्री इमेज है ही नहीं, तो माइनस वन हैव नो एनी प्री इमेज,
माइनस वन की कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट ए, कैसा नहीं है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन नहीं है, यही इसने पूछा था, ना ये वन वन फंक्शन हो ना ही ऑन टू। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है सो दैट द फंक्शन आर बिलोंग्स टू आर गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास है टू एक्स, कहता है ये वन वन एंड ऑन टू, कैसा है, वन वन है और ऑन टू है, तो मैं इसका सोल्यूशन करता हूं फोर, कैसे, इसके लिए वन वन फंक्शन, किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, वन वन फंक्शन के लिए, ठीक है। अगर वन वन फंक्शन है तो मैंने लेट कंसिडर क्या कर लिया कि मेरे पास क्या है एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू है, यही कहा था, अगर मेरे पास एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है और अगर एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाए तो इसका मतलब वो कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन होगा, एफ एक्स वन की वैल्यू लूंगा, एफ एक्स की वैल्यू है टू एक्स, तो एफ एक्स वन की वैल्यू टू एक्स वन और इसकी टू एक्स टू, यहां से ये कैंसिल, इसका मतलब एफ एक्स बराबर एक्स वन बराबर किसके है, एक्स टू के है। अगर मैं देखो क्या फंक्शन बराबर लेके गया था और एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया तो मैं कह सकता हूं यस इट इज ए वन वन फंक्शन, कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं फोर, किसके लिए, ओन टू, ओन टू के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके पास गिवन फंक्शन है उसको किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल मान लो, मैंने मान लिया लेट y इज इक्वल टू टू एक्स, इसका मतलब x कितना आ गया मेरे पास y बाय टू, x मेरे पास कितना आ गया y बाय टू, देखो क्या आ गया मेरे पास, मेरे पास आ गया कि y बराबर टू एक्स, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई y बाय टू, फ्रॉम क्या कह सकता हूं मैं कि जो ये y बाय टू है ना मेरा किससे बिलोंग्स कर रहा है r से, y बाय टू किससे बिलोंग कर रहा है r से, तो मैं कह सकता हूं फोर फोर एवरी y बिलोंग्स टू r, कि y अगर मेरा r से बिलोंग्स करेगा तो कोडोमेन किसकी कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू y बाय टू, कि x इज इक्वल टू y बाय टू बिलोंग्स टू r डोमेन, अगर इसकी कोडोमेन किससे बिलोंग्स कर रही है, इसकी डोमेन से कर रही है, सच दैट मैं क्या कह सकता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन मेरे पास क्या था टू वाई वाई टू, इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू वाई था, तो ये कैसा फंक्शन है, सो इट इज ए ऑन टू फंक्शन, और यही उसने पूछा था कि ये फंक्शन कैसा होगा, एक वन वन फंक्शन होगा और एक ऑन टू होगा। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे।